क्योंकि अब बेटा होगा ना तो बेटे को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? नो मीन्स नो होता है, यस मीन्स यस होता है। कितना मुश्किल है समझना। छोटे कपड़े पहनोगी तो रेप हो जाएगा, फोन पे बात करोगी तो रेप हो जाएगा, सांस लोगी तो रेप हो जाएगा। फायदा ही क्या फिर? गला ही घोट दो सबका। आ जाना। अच्छा बढ़िया। नहीं अबे बढ़िया तुम्हारा, तुम्हें पता बढ़िया इसका नहीं मेरा। पता क्यों? क्योंकि आज मैं गुस्से में हूँ। अगर तुमने ओपनिंग देख के डाउट किया ना कि ये क्या चीज़ है, तो तुमने मुझे सेकंड चैनल पे फॉलो नहीं किया, तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल चुका हूँ और ये फ्रस्ट्रेशन मेरी खत्म नहीं है और मैं और निकालना चाह रहा हूँ। और मैं बॉलीवुड का ना बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ, मतलब शाहरुख खान हाँ रोमांस की वो मैं अब बोल सकता हूँ, उस टाइम नहीं पता था मुझे। बट पॉइंट ये है कि मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन था। तो बॉलीवुड में क्या कुछ कुछ होता है अगर तुमने देखे ना, मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। सो उसमें क्या था, वो सीन आता ना जहाँ पे वो बारिश होती है, समझ गया ना तुम क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो सीन था, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली ट्रू स्टोरी है, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। सो मेरा दोपहर का स्कूल होता था, लड़कियों की मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, बट वो मेरी बहन की दोस्ती तो मुझे पता था, हाँ तो कनेक्शन थे हमारे। और मैं गंदा प्यार में था, मतलब ऐसा मुझे उस टाइम पे लगता था, अभी तो मुझे पता है बेवकूफ़ी थी वो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 12:30 बजे मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मैं उसकी गली के बाहर खड़ा हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब एकदम मूड सेट है। मूड क्या सेट है, मतलब मौसम सेट है कि हाँ टिंग टिंग नहीं बिल्कुल नहीं। और उस लड़की को पता है कि ये मेरी दोस्त का भाई है और मेरे सामने से गुजर जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं बोल पाता, एक शब्द भी नहीं। और उस दिन के बाद मैं कभी उससे बात नहीं कर पाता, पता क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमारी होती है, अगर कोई इसे सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना तो ये हम खुद समझ जाते हैं। और रोमांस कभी एक साइड से नहीं होता। तो कोई तुम्हें बोला ना तुम रोमांस किंग हो, नहीं उसे फक बॉय बोलते हैं बाय द वे। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि लड़कियों को फोन दोगे इसलिए उनका रेप होता है। बट उससे पहले मैंने कुछ एक और आर्टिकल पढ़ा था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं इसलिए उनका रेप होता है। अच्छा, अभी आने वाले समय में और क्या पढ़ना है कि लड़कियां सांस लेती हैं उसके लिए उनका रेप होता है, लड़कों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या समझा नहीं सकते तुम लोग इसलिए उनका रेप होता है। उस टाइम पे मैं अपना एंगर लेके कुछ भी कर सकता था, बट मुझे पता था कि ये इमोशन मेरा है, उसके पास वो फीलिंग नहीं है। पता है ये चीज, मैं इस बात पे गुस्सा इसलिए नहीं हूं कि हाँ ये चीज किसी नेता ने बोली है, नहीं, मैं हमेशा सोचता था कि एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट जब से मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तब से मैं बैक टू बैक उस बारे में सोच रहा हूं, बैक टू बैक एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन प्रॉब्लम है। कि अगर हमें पता है ना कि अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो नहीं करता। लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं जिसे तुम अचीव कर सकते हो, चाहे तुम अभी कितने भी यंग हो इस चीज को लेके, क्योंकि आई नो अभी तुम्हारे लिए बहुत कूल होगा ये चीज, बट जब तुम मेरी एज में पहुंचोगे ना तुम्हें लिटरली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये चीज मैंने जो चीज अपने सेकंड चैनल बोली, मैंने एग्जैक्टली सेम चीज उसकी चीफ को टैग किया, मेरा ट्वीट विजिबल ही नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हाँ ट्विटर हमारी पॉलिसी फॉलो कर, क्यों करे, क्यों करे, जब तुम्हें पहले ही सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो तुम्हें और क्या चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो मेरी ट्वीट विजिबल क्यों नहीं है? ये रीट्वीट दिख रही है मेरे ट्विटर पे? नहीं दिख रही। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट किया हुआ है, दोपहर से किया हुआ है, अभी तक क्यों नहीं दिख रही? और अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमन के चीफ तक मेरी ट्वीट पहुंच रही है और वो विजिबल नहीं है, तो पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही मुझे पता नहीं है, बट कैरी मिनाटी की ट्वीट पहुंच गई थी। अच्छा, तो बेसिकली तुम्हारे लिए सारी चीजें पीआर स्टंट हो सकती है कि अगर फेमस बंदा तो इंपॉर्टेंट बंदा उसको फंसा सकते हैं। अच्छा, सेम केस पुलवी पुरी के साथ हुआ, पहले उस पर रेप चार्जेस लगाया गया माइनर के लिए, अभी उसकी मां ने आके स्टेटमेंट दे दी कि नहीं नहीं मेरा पति झूठ बोल रहा है। एक मिनट, तुम लोग हो कौन पहले मुझे ये समझाओ, तेरी बच्ची, तू बीवी, तेरा पति, वो बंदा कहां से इन्वॉल्व हो गया? सी, हम सब कितना भी प्रिटेंड कर लें कि हम सज्जन पुरुष हैं, इंसान हैं, हम मोहब्बत में इंसान ना बिलीव करते, बट सच बात ये है
कि हम एक्चुअली बिलीव नहीं करते उस चीज को। एक मिनट, मैं इसी चैनल पे हर बार आके तुम्हें इक्वल राइट्स, और अगर तुम ओजी ब्रो से ना, तो मैंने लिटरली तुम्हें मेन राइट्स के बारे में बोला हुआ है। बट जब से मैं इस बारे में सोच रहा हूं ना, बैक टू बैक सोच रहा हूं, आई गेस सही है, क्योंकि कानून के रक्षक कब भक्षक बन जाते कुछ नहीं पता, कब इंसानियत हैवानियत बन जाते कुछ नहीं पता। तुम मुझसे पूछो कि वुमन राइट्स क्या है, मैं बता देता हूं तुम्हें क्यों उनके पास स्पेशल प्रिविलेज है, क्योंकि अगर उनको एक बार भी तुम मौका दोगे ना गिरने का या मजबूर होने का, दुनिया में इतने हैवान लोग बैठे हैं ना जो उन्हें मिसयूज कर सकते हैं। और ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमन ना झक मार के बैठी हुई है, क्योंकि अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमन के मेंबर मुझे ये बोल रहे हैं कि लड़कियां अगर फोन रखती हैं इसलिए उनका रेप होता है, सो आई गेस ये कमेटी ही टट्टी है। क्या करोगे, सू करोगे, कर दो, ये तो मेरी सोच है। अगर तुम कर रहे हो तो बेसिकली ये तुम्हारी सच्चाई है, इन द एंड मैं ही जीत रहा हूं, मेरी सोच किसी की सच्चाई नहीं है, मैं बस बता रहा हूं जो मैंने देखा है, अगर मैं गलत हूं सही साबित कर दो मुझे। वो बंदी इस डिपार्टमेंट में कहीं डिजर्व नहीं करती, जो डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए बना है, उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बना है, अगर वो ही उस मेंबर कमिटी के मेंबर आके ये बोलती है कि लड़कियां फोन रखती है उस वजह से उनका रेप होता है, सो आई थिंक ये पूरी कमिटी ही बेकार है। हाँ, तो तुम्हें पता है मैं कितना गुस्से में हूं, और फर्स्ट में पता क्या, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ये चीज बोल रहा हूं ना, इस चीज पर मेरे पे एक्शन हो सकता है और फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और यही चीज मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा, ये मैं अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी एज में था ना, मैं एग्जैक्टली ये कूल समझता था इन चीजों को, और शायद मैंने करी है, बट कोई भी आगे पलट के ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी के साथ गलत किया। पता क्यों, क्योंकि इमोशन कहते हैं। मैं 99% श्योर हूं कि अगर तुम पास्ट में जाके मेरे खोदोगे ना, बहुत ज्यादा डर्ट है, बट मैं यहां पे खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने गलतियां करी हैं, बट किसी के साथ गलत नहीं किया मैंने। आज से तुम लिटरली 7 साल पहले मुझसे पूछते ना कि हाँ ये चीज है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 3 साल पहले भी पूछते ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब से मैं कोलकाता में हूं ना, मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ। वो स्टेटमेंट पढ़ के ना मेरा लिटरली दिमाग फट गया। वुमन के लिए वुमन पे ही लगी हुई है, अबे उसके लिए पूरी सोसाइटी है, तेरा काम उसको बचाना है, बचाना है। तू तो पॉलिटिशियन भी नहीं यार, अबे पॉलिटिशियन होते फिर भी छोड़ देता मैं, बट तू कमेटी मेंबर है और फिर ये बात बोल रही है, तो कौन बचाएगा उसे, मैं जिसके हाथ में कोई पावर नहीं, और जिनके हाथ में पावर है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, कैरी मिनाटी तो सबसे पहले आ गए थे सबके सब, तब नहीं आया था समझ में। जज मी ऑल यू वॉन्ट, बट मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें दिल में पता है कि मैं इस चीज का एक सेंस है, क्योंकि आज तुम यंग हो, तुम्हारी एक फैमिली है, आने वाले 5 साल के अंदर उनकी फैमिली होगी, खुदा ना खास था बट किस्मत से तुम्हारी फैमिली में एक लड़की होगी। लड़की को लक्ष्मी बोलना बहुत ईजी होता है, पैसे को भी लक्ष्मी बोलते हैं, बट सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं। 9 दिन कन्या बिठाने के चक्कर में पूरे साल जो हगते हैं ये लोग, यही लोग, उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता। और तुम मुझे बोल रहे हो ना मेरा एक भी पॉइंट गलत है, ओह ट्रस्ट मी, मैं इस सोसाइटी से रह के आ रहा हूं। ये पैसा अपने लॉकर में डालते हैं और लड़के अपने बिस्तर पे, और फिर दशहरा में ना 9 कन्या बिठानिया में सबको लड़का चाहिए, लड़की क्यों नहीं चाहिए, और लड़की है तो लड़की तमीज से रहेगी, लड़का तमीज से नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा तमीज से। अगर लड़कों को तुम तमीज सिखा दो और लड़कियों को बदतमीज बना दो, आई थिंक तब बैलेंस आ सकता है। क्योंकि आज मुझे क्लियर हो गया, कमीशन तो कुछ नहीं कर रहा, नो डाउट जब से ये कमीशन बना है तब से लड़कियों की कोई वैल्यू इंप्रूव नहीं हुई है। अगेन आई एम सॉरी कि अगर मेरा फ्रस्ट्रेशन किसी को भी बुरा लगा, बट ये मेरी सोच है, मेरी सोच किसी की सच्चाई नहीं, ऐसा मेरे को लगा इसलिए मैंने बोल दिया, और ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बट ये मेरी सोच है, ये मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि वो मेरे पे एक्शन ना लें, बट एटलीस्ट उनको मेरी आवाज सुनाई दे कि ये फ्रस्ट्रेशन मेरे खुद के लिए नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूं, ये वीडियो देखने वाले 99% लोग अच्छे इंसान होंगे। बट ये दुनिया ना गीदड़ों से भरी भरी है, और अगर कमीशन के लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता नहीं उस कमीशन की कोई वैल्यू बनती है मेरे लिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं पलट के। अगर ऐसे लोग डिपार्टमेंट में, तो कैसे कैसे मैं उस डिपार्टमेंट पर यकीन करूं जो
एम्पावरमेंट के लिए बना है और जिनके एम्पावरमेंट के लिए बना है उन्हीं को ब्लेम कर रहा है। कैसे? पीस।